सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड वर्स रूट टू. ऑल राइट, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, तो इस वैल्यू को हमें सेक की फॉर्मेट में लिखना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स रूट टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स रूट टू का मतलब जहाँ पे कॉस आपका 1/√2 होता है. सो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी पाई बाई फोर. सो ये हो जाएगा सेक पाई बाई फोर. ऑल राइट, आप चाहें तो यहीं से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं और बोलेंगे पाई बाई फोर. और अगर ये सेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा. बट हम लोग सीख रहे हैं अभी कि सारे के सारे पॉसिबल तरीके कौन कौन से हो सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के. तो फटाफट देखिए, सेक इनवर्स सेक पाई बाई फोर, आपके यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है. आपको देखना है कि वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है. तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये होगी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगी. तो हम बोल देंगे और सेक इनवर्स सेक व्हाट 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग 2 पाई माइनस करके ही पहुँचते हैं. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज सेक इनवर्स से सेक का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर, और वहाँ पे आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 1 इज 7 पाई बाई फोर. ऑल राइट, नाउ आपको एक बात नोटिस करनी है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है. तो पहले आपको लिखना पड़ेगा सिंस दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, ऑब्जर्व कीजिए वो क्या होती है, तो वो होती है 0 से लेके पाई एक्सेप्ट दैट एंगल जहाँ पे आपका सेक नॉट डिफाइंड हो. सेक नॉट डिफाइंड कब होगा, जब कॉस आपका 0 बन जाएगा. तो कॉस 0 कब बनता है, पाई बाई टू पे. ऑल राइट, 0 से लेके 180 के बीच में सारे एंगल्स आ सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट 90 डिग्रीज. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, मुझे बताएं ये एंगल कितना है. तो ये एंगल है आपके पास 45 डिग्री, और ये है 7 times of 45 डिग्री, जो कि बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा आप लोगों का. तो आप ध्यान से देखिए, सिर्फ यही एंगल इस इंटरवल में लाई करेगा. तो आप बोलेंगे देयरफोर दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स रूट टू इज वॉट, इज कौन सा एंगल, ओनली पाई बाई फोर. ऐसा क्यों हुआ, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे सिंस वॉट, पाई बाई फोर ही ऐसा एंगल है जो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, एंड 7 पाई बाई फोर है हमारा जो बिलोंग नहीं कर रहा 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू. ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे दो केसेस क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. दो केसेस का असली पर्पस जो है सॉल्व करने का, वो मेनली नेगेटिव वाले क्वेश्चंस में हमें दिखेगा. ठीक है, बट फिर भी उसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है और फॉर्मूला भी है. ऑल राइट, देन इसको प्लीज़ आप लोग अपने नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लें. सो लेट्स सी अनदर वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाई यूजिंग अ शॉर्ट मेथड. ऑल राइट, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं सेक इनवर्स, एंड देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू कैन बी रिटन एज सेक. और हमें बताइए कि आप कॉस की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, तो वो होती है पाई बाई फोर पे. देयरफोर इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू पाई बाई फोर पे ही हमें मिलेगी. ऑल राइट, नाउ हम लोग ईजिली सेक इनवर्स से सेक फंक्शन का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई फोर. हमें मालूम है सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स फंक्शन इज वॉट, वो हूबहू रहती है कॉस की तरह, लेकिन आपको वहाँ से वो चीज़ हटानी पड़ती है जहाँ पे हमारा कॉस 0 देता है हमें, तो वो देता है हमें पाई बाई टू एंगल पे. ठीक है, अब देयरफोर आप खुद देखिए क्या ये वैल्यू इसमें लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली लाई कर रही है. तो आप बोल देंगे देयरफोर सेक इनवर्स रूट टू इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर होगा. और पाई बाई फोर क्यों होगा, बिकॉज पाई बाई फोर हमारा बिलोंग करता है अपने इस रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. आप लोग इस तरीके को भी अपने एग्जामिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं. ऑल राइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें.